रामचंद्र भगवान की जय हो। और जरा देर ठहरो भगवान, तमन्ना यही है। देखिए सभी भक्त बोलेंगे, बस ज्यादा नहीं दो बार, क्योंकि अवसर बार बार नहीं आता है। बोलो, किसान कहते हैं अब गेहूं बोलो, धान बोलो, और ये जो सात दिन का अवसर मिला है इसमें बस प्रभु का नाम बोलो। क्यों? बवाई आप करोगे तो फसल आपको ही काटने को मिलेगी, और भैया जिसकी जैसी बवाई जैसी मेहनत वैसी फसल। जरा देर ठहरो भगवान, तमन्ना यही है। अरे अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, जरा देर ठहरो राम हो, जरा देर ठहरो भगवान, तमन्ना यही है। अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, राम जी धनी हो मेरे, राम जी धनी हो मोरे, राम जी धनी राख रहियो मोरी खबरिया, मोरे राम जी धनी हो राख रहियो मोरी खबरिया। हो राम जी धनी हो मोरे, राम जी धनी राख रहियो मोरी खबरिया, मोरे राम जी धनी हो राख रहियो मोरी खबरिया। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। देखिए कुछ लोग कह देते हैं कि सिया स्वयंवर, लेकिन सिया स्वयंवर नहीं था। स्वयंवर का मतलब आप समझते हैं, ये पुराने समय में राजा महाराजा लोग बेटियों का रखते थे स्वयंवर, यानी दूर दराज के सभी राजकुमार या राजाओं को बुलाते थे और उसके बाद बिटिया को पूर्ण स्वतंत्रता दे दी जाती थी कि अपनी पसंद का पति स्वयं चुन लो, स्वयंवर। परंतु भैया ये स्वयंवर कहाँ है? यहाँ पे सीता को स्वतंत्रता नहीं दी गई है स्वयंवर, अपना पति अपने आप चुनो, ये स्वयंवर नहीं था। फिर यहां तो महाराज जनक जी की प्रतिज्ञा है, और जनक जी ने प्रण ऐसे नहीं किया, जनक जी ने प्रण भगवान भोलेनाथ के कहने पर किया था। जब सती जी दक्ष प्रजापति के यज्ञ में जाकर के योग अग्नि से जलती है ना, भोले बाबा क्रोधित हुए, लेके धनुष बाण चल दिए, देवता घबराए अब क्या होगा। तो महाराज जनक जी के पुरखे थे देवराज जी, उनसे देवताओं ने कहा तुम्हें शिव जी के पास जाओ तो काम कुछ हो जाए। देवराज जी ने जाय करके शिव जी का अभिनंदन वंदन किया, भोले बाबा प्रसन्न हुए और ये धनवा दे दिया कि जाओ इसकी पूजा करते रहना, और इसी धनवा के चक्कर में तुम्हारे घर में साहब आएंगे। ये धनवा पूजता चला आ रहा था। बात उस समय की है कि एक बार महाराज जनक जी जब पूजा करने जा रहे थे, जानकी जी पीछे पीछे गईं, देखा पिताजी ने पूजा किया है धनुमा की, अब विचार करने लगी सिया जी
कि पिताजी बड़ा दूर आते हैं पैदल पैदल, ना हो यह धनुहा हम घर ही को ले चले, पिताजी वहीं विधिवत पूजा करें। एक बात बताते चले, जीवन में अनुभव करना। वैसे आज का समय क्या है, अच्छी बहुरिया सब चाहते हैं, अच्छी बहू आए घर में सब चाहते हैं, लेकिन घर में बिटिया ना हो। न जाने कितने लोग कन्याओं को पेट में ही समाप्त कर रहे हैं। इस पाप को रोको। क्यों, हम तो कहते हैं बेटा होता है भाग्य से और बिटिया मिलती है सौभाग्य से। जिंदगी में अनुभव करना, माँ बाप का ख्याल जितना ज्यादा बिटिया रखती है इतना बेटा नहीं रखते हैं, अनुभव करके देखिएगा। लेकिन समस्या भारी है गांव घर में, हमने देखा है देहात में। घर में बिटिया हो जाए, घर की बूढ़ी अम्मा चौखट पे मुंह लटकाए के बैठी, लागे डकैती है ना घर में पड़ी। हाँ, पड़ोसी ने पूछा भी का हुआ, अरे कहीं हुआ का बिटेवा, फिर फाट पड़ी। हाँ, बूढ़ा नहीं कोई बिटिया रहे। सज्जनों, बेटा जन्म लेवे तो भले ही खुशी न मनाना, लेकिन बिटिया होने पर खुशी ज्यादा मनाना। क्यों, क्योंकि बेटी तुम्हारा बहुत ख्याल रखेगी, बेटा इतना ख्याल नहीं रखेंगे। लेकिन बेटा के लिए हम लोग परेशान बहुत रहा करते हैं, ये हमेशा याद रखिएगा। बेटियों का सम्मान करें, क्योंकि बेटी कितना भी बड़ी हो जाए और जब भी उसका विवाह करेंगे या वो कहीं भी चली जाए, कहीं भी चली जाए, लेकिन जब कोई पूछेगा कि तुम्हारे माई बाप कहाँ हैं, तो बेटियां कह देती हैं कि हमारे माई बाप मायके में हैं। जय हो, बोलो राघवेंद्र सरकार की जय हो। तो सुनो, बिटिया की शादी कर दोगे, जब कोई पूछेगा तुम्हारे माई बाप कहाँ हैं, बिटिया बताती वहां मायके में हैं हमारे माई बाप। और बेटा तुम्हारा कब तक है भैया, बेटा बेटे की जब तक शादी ना हो जाए समझ लेना मेरा बेटा है। और जिस दिन शादी हो गई बेटे की, बेटा तुम्हारा नहीं है। क्यों, चेक कर लेना किसी की नई शादी हुई हो और धर्म पत्नी जी मायके में गई हो, उनसे पूछो भैया सब ठीक है, बोले बहुत सही है। फिर पूछो सब लोग घर ही पर हैं, तो बच्चा क्या कहते हैं, सब घर ही पर है, हमारा परिवार नहीं है यहाँ, माने अब अम्मा पप्पा कोई परिवार ही नहीं रह गए। तुम्हारा परिवार कहाँ, कहें हमारा परिवार इस समय ससुराल में है। रह गए परिवार, परिवार रह गए ससुराल। जिन माता ने जन्म दिया उनका कहते हैं बुआ, जो नहीं मातारी कष्ट उठाई के पाल पोसी बड़ा की उनका कहते हैं बुआ, और ससुराल में पहुंचे थे तब बड़ा प्यार से मम्मी, ओहो लागत है सगी मम्मी है। ये बेटा लोगन के हाल है, बेटा से बिटिया भली है। बेटा पैदा हो घर पे समझ लेना भिखारी बनने का नंबर आ गया, और बिटिया पैदा हो बन गयो जमींदार। हाँ, लड़का वाले हो भिखारी,
शादी के लिए गए, भैया लड़का पसंद है, कहीं ठीक है 5 लाख लूंगा, बिटिया वाले जमींदार है, अरे 5.5 दूंगा। कहो तो खुद की कमाई में साइकिलों ने ले पाई, भैया पैदा है गाड़ी लूंगा, ससुरारी रकम है तले चलाए लो, बादी भोसौरी में खड़ी हुई है या कबाड़म कटी, अरे शर्म आनी चाहिए। दहेज लेना देना दोनों चीजें गलत लग रही हैं। और अक्सर टीवी न्यूज चैनल पे देखिए, पेपर में देखिए, खबरें आती हैं, उनकी बहू भोजन बना रही थी, गैस सिलेंडर फट गया, बहू पे स्टोव धक गया, का कहूं अखबार में यह पढ़े उनकी सास के ऊपर सिलेंडर फटा, या उनकी नंदी बनाए रह गए भोजन स्टोव दगा ना, ये सब बहुरियों पे होता है। देना और लेना, हम तो कहते हैं ये हमारे अकेले की बस की बात नहीं है कि यह दहेज वाला प्रोग्राम कैंसिल कर दिया जाए, इसमें संगठन बनाओ, जितने लोग ये भीख मांगते इतने लूंगा, कोई लोग इनके ब्याह ही ना करो, ये उल्टा 10-10 लाख न दे तो हमें बता, बंसो तो नहीं चले। और या तो कहते 5 लाख लूंगा, कह दो पूरे 6 लाख दूंगा, बारात बुलाओ, बरातिन पानी न पियाओ, और दुल्हा द्वारे 4 पयावे, दुल्हा बांधो खम भम लेके डंडा जुटो, सीताराम सीताराम, खरीदा माल है मारो मन हो खा दो, भाई 5 लाख खरीदे हो। आजकल सास बड़ा सुखी है, सास कहती पंडित बहुत सेवा नहीं करती, काहे की सेवा 5 लाख दे के आई है तुम्हारे घर में, फोकट माई सेवा भाई के खुद ही करो तुम, काहे की सेवा। कंस गया रावण गया चले गए अंग्रेज, लेकिन भारत देश से गया न दुष्ट दहेज। लेकिन याद रखिए ये कलयुग है, इसमें कर्म प्रधान है, कर्म ही पूजा है, जो काया से पातक होई बिन भोगे छूटे ना। भगवान के घर थोड़ी देर है लेकिन अंधेर नहीं है। बेटियों का सम्मान करिए, क्योंकि माँ बाप का ख्याल बेटियां बहुत रखती हैं। खैर, सीता जी ने वो धनवा लाई करके रखा कहां, हवेली के पूर्व उत्तर कोने पर। वैसे जिनके घर में पूजा होती हो, भले ही एक छोटा कैलेंडर लगा के पूजा होती हो, वास्तु शास्त्र के नियमानुसार पूजा का स्थान हमारे घर पे ईशान कोण में होना चाहिए, यानी पूर्व उत्तर कोना। इस स्थान पे पूजा करने से घर में धन धान की वृद्धि रहती है। सिया जी रोज पूजा करती रही। एक कथा में आया है कि सिया जी ने एक दिन देखा धनुआ के पास काफी कूड़ा पड़ा है, तो बाएं हाथ से धनुआ उठाया, दाहिने हाथ से लिपाई कर दिया। जनक जी ने देखा। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं जब राजा की एक ही बेटी थी तो झाड़ू पोछा के लिए कोई नौकर नहीं थे, ये तो पुरानी कहावत है, खेती बारी बीनती और घोड़े का तंग, और अपने आप संभालियो चाहे लाख लोग होए संग। लिखा है जो कोई व्यक्ति मंदिर परिसर में, सत्संग परिसर में झाड़ू बुहारी करता है, उसको वह फल मिलता है, जो पुजारी 5 घंटा बैठ के पूजा करे उसको वैसे फल मिल जाता है। अब जनक जी भोले बाबा के दरबार पहुंचे और कहते महाराज 5 बरस की सिया हमारी लिए उठाए धन सुचकारी, और भूमि लीप सिय पुण्य धर दीन्हा, सिय यथा विधि पूजन कीन्हा। तो भोले बाबा कहते जनक काहे घबरा रहे हो, हे जनक तुम पिछले जन्म के पंडित श्री हरिदेव प्रसाद हो, सुनैना पिछले जन्म की श्रीमती कनक लता जी हैं, तुम दोनों लोगों ने ब्रह्म से वरदान मांगा था कि लक्ष्मी समकन्या में पाऊं तुम समान दामाद बनाऊं, ये वही लक्ष्मी तुम्हारे घर में आई हैं, और ब्रह्म को दामाद बनाना है
कहाँ ढूंढते फिरोगे, इसलिए तुम प्रतिज्ञा करो जो कोई धनवा तोड़े वही सीता से नाता जोड़े। जनक जी ने प्रण किया। एक बात और बता दें, जैसे ये कथा हो रही है जगह जगह पे होल्डिंग बैनर पोस्टर सारी व्यवस्था किस लिए भैया, सब लोग कथा में आना। अब कुछ लोग विशेष होते हैं, उनको स्पेशल कार्ड भेजा जाता है, आप तो मोबाइल फोन की सुविधा हो गई है, तो उस प्रोग्राम को देखने के लिए भीड़ बहुत आती थी। लेकिन ये नहीं नियम था जो न भीड़ मावेला धनवा हम तोड़े ना, धनवा तोड़ने सिर्फ और सिर्फ वही राजा आगे बढ़ते थे जिनको जनक जी ने स्पेशल कार्ड दे के बुलाया था। लगभग हर राजाओं को इनने बुलाया है, दो राजा छोड़ दिए थे, एक लंका का राजा रावण, उसे क्यों नहीं बुलाया, कथा में खूब सुनो कितना शरीफ था, और दूसरे चक्रवर्ती महाराज दशरथ को निमंत्रण नहीं भेजा, जबकि वो चक्रवर्ती थे, बुलाना चाहिए था, उनको क्यों नहीं गया, खैर आगे की कथा में कह दें। धीरे धीरे जनक जी ने प्रण ये किया था, एक वर्ष का हमारा ये चलेगा महोत्सव, एक साल, और धीरे धीरे 6 महीना बीत गए हो भैया। धनुआ जो है टस से मस नहीं हुआ, जबकि 10,000 राजा एक एक दिन में ताकत लगा के चले गए। बाबा ने लिखा है कि भूप सहस 10 1 12, कुछ लोग कहते 10,000 राजा एकदम ही लग गए धनुहा के, मान लो 10,000 योद्धा लगे थे, धनुहा कहीं टूट जाता फिर सीता जी की शादी किसके साथ होती। 1 12 का मतलब जैसे सोमवार मंगलवार बुधवार गुरुवार एक एक दिन में भूप सहस 10 1 12। लगे उठावन चरणी नटारा, लगे उठावन चरणी नटारा, आखिर में जनक जी भोले बाबा के दरबार पहुंचे। महाराज तुम्हारे कहने से मैंने प्रण तो कर लिया, धनुहा अभी तक नहीं हिला। तब भोले बाबा विश्वामित्र को जाए करके स्वप्न के माध्यम से जानकारी दिया, शिव आने कहीं मुनि बात सही, रघुवीर अयोध्या से लावो हो जाई, अस्त्र व शस्त्र दिए हमने सो राम को सादर देव गहाई, मिस यज्ञ भला फिर मग तारी शिला, फिर सिया राम का सादर देव मिलाई, सोई जगदीश विचार कहे सुर संत धेनु मई सब भलाई। तब बाबा गोस्वामी जी लिखते हैं कि गाध इतने मन चिंता व्यापी, हर बिन मरहिन निश्चर पापी। विश्वामित्र जी ने जाय करके राम लक्ष्मण को श्री धाम अयोध्या से लाए के अपना यज्ञ की रक्षा करवाई। पता चल गया राजा को कि राम लक्ष्मण विश्वामित्र के वहां है। अब थोड़ी राजाओं की राजनीति देखो जरा, कहते हैं राजा जोगी अग्नि जल, इनकी उल्टी रीत, और इनकी रीत यही है, मतलब निकल गया फिर पहचानते नहीं। अभी थोड़े दिन पहले चुनाव प्रचार चल रहा था, एक से एक वीआईपी लोग फटाफट पैर छूते थे, नंबर देते थे, महाला देवी मैया को न जाने कई कुंटल प्रसाद माना गया भी है। हाँ, और जिस दिन वोटिंग खत्म, दर्शन दुर्लभ, नहीं मिलेंगे ढूंढने पर, और मिल भी गए तो जब वोट लेने के लिए आए थे तब पैर छू रहे थे, अब जो मिलेंगे तो उनका माहौल बदला होगा। कहां से आए हो? कहे साहब हम बरहीडीह से आए। कहे ये बरहीडीह कहां पड़ता है? और जब समय आवे तब सो सुझाई जात कहां पड़ता है।
जनक जी ने कहा सतानंद जी महाराज, कहा एक कार्ड विश्वामित्र के नाम लिखो। सतानंद समझ गए राजनीति कि एक साल हो रहा प्रोग्राम का और इस कार्यक्रम में कोई महात्मा अभी तक नहीं बुलाए गए और केवल विश्वामित्र महात्मा बुलाए जा रहे। कारण याद आ गया कि न्योता तो विश्वामित्र को है लेकिन साथ में राम लक्ष्मण हुई है। विश्वामित्र को जब ये निमंत्रण मिला, आज विश्वामित्र जी राम लक्ष्मण को लेकर के जनकपुर आ गए। देखो राम जी का असली नाम है क्या। जनक जी को जैसे सूचना मिली कि ऋषि विश्वामित्र आए हैं तो जनक जी घर से निकले बड़ा प्रसन्न, लेकिन देखा बाबा जी तो अकेले खड़े तो मानो बेमन बाबा प्रणाम सूखे मन से। काहे निमंत्रण दिए रहो बाबा, ये तो खुश होना चाहिए था, लेकिन बाबा अकेले हैं, राम लक्ष्मण तो है नहीं, इसलिए मानो सूखी राम राम हुई। और राम लक्ष्मण कहां थे? फुलवारी देखने चले गए थे। कितने ही अवसर आए दो भाई, होते ही अवसर आए दो भाई, गए रहे देखन फुलवाई। महाराज जनक जी ने जब राम लक्ष्मण को देखा, अब तो ये बेचारे और सूख गए। काहे इन्होंने सोचा था राम लक्ष्मण कोई हष्ट पुष्ट पहलवान होंगे, लेकिन ये तो छोटी छोटी धनोहिया लिए बच्चे हैं। कभी कभी लोग हमें देख के भटक जाते हैं, पूछ लेते हैं, हम ही पूछते हैं सुरेश अवस्थी जी से मिलना है, हो जाता है। सज्जनों जनक जी एकदम उदास, अरे स्वामी जी ये बच्चा कौन है? विश्वामित्र समझ गए कि राजा घबरा रहे हैं, धनवा कैसे टूटे, तो परिचय क्या दिया कि है दोनों कुंवर अवध नृप के, है नाम राम लक्ष्मण इनका। अब जनक और बेचारे उदास, हाय ये है राम लक्ष्मण। विश्वामित्र ने सोचा थोड़ी इनकी तारीफ कर दे तो राजा को थोड़ी तसल्ली मिल जाए। अरे कहीं देखने में छोटे हैं लेकिन बड़े खोटे हैं, तारका को इनने मारा, सुबह को इनने मारा, मारीच को तो सेठा का मार मार के उड़ा दिया, सतयोजन समुद्र पार गया। हे दोनों कुंवर अवध नृप के, हे नाम राम लक्ष्मण इनका। और यह गुड़ी बली उत्साही है, किस विधि से हो वर्णन इनका। तब जनक ने सोचा तो धनुआ इनसे टूटे जरूर। अब देखो अभी तक बाबा को देखे खाली प्रणाम, और जब इनके मतलब की बात आई गई कि राम लक्ष्मण धनुआ तोड़ेंगे जरूर, तब राजा क्या कहते हैं, कर्मचारियों जल्दी पूजा की सामग्री लाओ, पहले बाबा जी की पूजा कर ले हम। विश्वामित्र ने सोचा उतनी देर से बाबा नहीं नजर आए रहे थे, अब बाबा की पूजा हो रही है। अक्सर क्या होता है, अब कथा सुननी है वही छोटी सत्यनारायण वाली ना, गए अरे पंडित जी कथा कथा, पंडित जी ने कहा भाई व्यस्त है थोड़ा, अरे महाराज हम गाड़ी लेके आ रहे हैं, और गाड़ी पे बैठाई ले गए, और जैसे कथा समाप्त हुई तो कहते हैं पंडित जी देखो रोड पे खड़े हो जाओ, कोई टैक्सी मिल जाए निकल जाओ, फिर नई टाइम है भेजने जाने, अक्सर होता है। बाबा ने लिखा है कि अब जब इनके मतलब की बात आई तो के करी पूजा और सब विधि सेवकाई,
गयो राव ग्रे विदा कराई गयो राव पूजा सब विधि सेवकाई गयो राव ग्रह पिता कराई गयो कर पूजा सब विधि सेवकाई। अब थोड़ी राम जी की चतुराई देखिए रामायण में। राम जी ने विचार किया धनुआ तोड़ेंगे हम, लेकिन हम है मर्यादा में, ऐसा ना हो हम मर्यादा लेके बैठे और धनुआ तोड़े लक्ष्मण भैया, तो ना हो लक्ष्मण जी को धनुआ दिखाई दे, सीता की मुलाकात करवाई दे। अब जाना चाहते थे राम जी खुद और बहाना बनाया छोटे भैया का, जैसे हमारा चेला लो बढ़िया बढ़िया चीजें खाना चाहते हैं खुद और बहाना पर्चा पकड़ाई दी कहीं गुरुजी मंगाई गुरुजी देखे हो नहीं पहन उड़ाऊ थी मौके फायदा समझ लिया। तो राम जी बोले गुरुदेव लक्ष्मण भैया की विशेष इच्छा है जनकपुर घूमने की, तो आज्ञा मिल जाए तो इनका हम घुमाए लावे। आपसे संकोच वसी कहीं नहीं रहे के अगर जो पेवर इच्छा लक्ष्मण की होती तो राम ने ये क्यों कहा कि आज्ञा दो तो हम घुमाए लावे। अरे राम जी कह देते गुरुजी आप नई जगह आए हो, हम आपके साथ बैठे हैं, लक्ष्मण से कह दो घूम आवे। राम ने कहा आज्ञा दो तो घुमाए लावे। लक्ष्मण ने मन में समझ लिया बड़े भैया जाना खुद चाहते बहाना हमारा। अच्छा गुरु जी समझ गए राम जी के अंदर की बात, तो गुरु ने आज्ञा दे दिया कि जाई देख आवो नगर सुख निधान दो भाए और करो सुफल सबके नयन सुंदर बदन दिखाए। नगर देखने के लिए जब आए शोभा धाम तो नर नारी सब चल पड़े छोड़ छोड़ कर काम। भीड़ों पर भीड़ टूट रही है, बच्चे छोटे छोटे राम लक्ष्मण के साथ हैं और महिलाएं जनकपुर की कोई अटारी से कोई झरोखों से ताक झांक लगी हैं। वो है माहौल जनकपुरी का कि प्यारे लगे बड़े प्यारे लगे रघुवीर मोरी सजे प्यारे लगे हो रघुवीर मोरी सजे हो रघुवीर मोरी सजे। भैया राम जी जी गुरु जी भावनाएं हैं लोगों की प्यारे लगे बड़े प्यारे लगे हो रघुवीर मोरी सजे प्यारे लगे हो रघुवीर मोरी सजे प्यारे लगे हो रघुवीर मोरी सजे। आगे आगे राम जाती है आगे 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 राम जाती है पीछे से लक्ष्मण देहो पीछे से लक्ष्मण वीर मोरी सजे प्यारे लगे रघुवीर मोरी सजे प्यारे लगे हो प्यारे लगे बड़े प्यारे लगे हो रघुवीर मोरी सजे प्यारे लगे हो रघुवीर मोरी सजे प्यारे लगे हो रघुवीर मोरी सजे। अरे राम और लक्ष्मण आगे बढ़ते जा रहे हैं लेकिन भावनाएं सारे लोगों की एक ही थी
अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। हाँ रघुवीर मोरी सजे प्यारे लगे सरकार की जय हो। जहां वो धनुहा रखा है राम जी पहुंच गए लक्ष्मण। हाँ भैया बोले यही है वो धनुहा। लक्ष्मण बोले कौन धनुहा? बोले यही है वो धनुहा। लक्ष्मण बोले दादा धनुहा तो हम देख रहे हैं लेकिन वो धनुहा कैसा? राम बोले भैया समझने कोशिश करो। लक्ष्मण बोले समझे का हम तो छोटे हैं। तब राम ने कहा सुनो ये वही धनुवा है जो कोई इसको तोड़ेगा वही सिया से नाता जोड़ेगा और एक साल हो गया है अभी तक हिला नहीं है धनुवा। लक्ष्मण बोले फिर इतना बड़ा धनुवा है भी नहीं। राम ने सोचा कहा अकेले बताने आए हैं और समाज में गड़बड़ हो जाता। राम बोले चुप रहे जीवधारी है छूना नहीं हंसी हो जाएगी। लक्ष्मण ने मन में सोचा के हो बड़े भैया? अरे साहब आप भली भांति जानते हो हम क्या है। लक्ष्मण कोई साधारण है? शेषावतार पृथ्वी का भार पूरा इनके ऊपर है और उनसे राम कह रहे धनुहा छुयो ना जीवधारी। लक्ष्मण समझ गए प्रोग्राम अपने आप करना चाहते हैं जो इशारा देते छुयो ना। भाई 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 के अपना जैसी सेटिंग हो। लक्ष्मण बोले अरे भैया हम धनुही वाले धनुहा के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। अब राम जी वापस आए ए पहले साधारण गए थे अब राम जी कहीं छत पे निहारे कहीं अटारी निहारे काहे वहां महिलाओं की बड़ी भीड़ लगी थी। तो राम जी सोच रहे कहीं सीता नजर आवे हम मिलाए दें लक्ष्मण सिया नाई नजर आए। सिया जी की एक सहेली है जिसका नाम तो आया है चंद प्रभा। उसने समझ लिया ये दीदी को मिलना चाहते हैं कहाँ मिलवाएं। अच्छा तब ये मोबाइल फोन की सेवा रहे नहीं। अब मोबाइल फोन हो गए ना लोग कहते अरे बड़ा सुख है भैया बड़ा सुविधा है और हम कहते जितने सुविधा उतने खतरा। जिस चीज में जितने सुविधा उतने खतरा। अब क्या है गांव बाहर खड़े थे देखा रास्ते में मौसिया आ रहे तुरंत घर में फोन लगाया हेलो मौसिया आ रहे हैं। जले मौसिया दरवाजे पहुंचे हैं तब तलक गेहूं धान बेच के चाय बिस्कुट नमकीन सारी व्यवस्था थे। मौसिया समझ लिए ये सब व्यवस्था इनके घर में पहले से रखी हुई यू नहीं सोच रहे मोबाइल करम आते। अच्छा पुराने समय जो सुविधा नहीं रहे मेहमान आए दरवाजे बैठे तो छोटे छोटे बच्चे खिड़की के रास्ते निकाले जाते थे जाओ जल्दी गेहूँ धान बेच चाय सब कर लाओ। अब वह सुविधा है ना लेकिन खतरा भी बढ़ गया है। हाँ बैंक के बाहर खड़े कहीं हेलो का बात कहीं 50,000 ले आए रहे कहीं चिंता ना करो पुलिये बैठे जितने सुविधा जिस चीज से जितनी सुविधा उतने ही खतरा। चंद प्रभा ने क्या किया उठाया एक फूल और वो फूल ऐसा घुमाई के मारा मेरे राघव के गाल पे लगा। राम जी फूल तुरंत मुट्ठी में बंद किए और बोले लक्ष्मण को देखे हो। लक्ष्मण देखें सब और का बोले भैया हम धनुहा के अलावा कुछ ही नहीं देखे। राम बोले चलो ठीक हो रहा नहीं देखे और दो लोग गुरुजी के पास आ गए। उधर सीता जी की जितनी मंडली है सखियों की सब पहुंच गई। एक सखी ने शिकायत कर दिया दीदी तुम चंद्र प्रभा को बहुत मांगती हो ना अरे उसने ऐसा फूल मारा बड़े साहब के गाल पे लगा। सीता ने पूछा कि अरे तूने ऐसा किया? चंद्र प्रभा ने कहा दीदी फूल मारा है अपने लिए नहीं आपके लिए। कैसे? कहा वो आपको मिलना चाहते थे और कहां मिलवाया जाए तो हमने इशारा कर दिया है कि जो फूल हमने मारा है संसार में वो कहीं मिलेगा नहीं मिलेगा तो केवल जनकपुर की जनानी बाग में। तो ये सारा माह हम उनका हुए बुलाए हैं कि फूल उन्हें मारा नहीं और किया है यज्ञ संकेत
क्या संकेत? किसिया मिलन को आइयो पुष्प लेने के हेतु। अब विश्वास ना हो तो सुबह जब चलना माता का पूजा करने तो मंदिर के आगे 10 कदम पे तो जनानी बगिया है, हो लियो 2 मिनट ठीक। धीरे धीरे क्या हुआ, रात बीती सवेरा हुआ, बाबा गोस्वामी लिखते हैं कि समय जाने गुरु आये सुपाई, समय जाने गुरु आये सुपाई, लीन प्रसून चले दो भाई, समय जाने गुरु आये सुपाई, लीन प्रसून चले दो भाई। और जबकि पूजा के हित लेन था भरना था न जहाज, दोनों भैया कहे गए फूल लेन के काज, ज्यादा कथाएं न जोड़ते हुए दोनों लोग इसीलिए गए, राम को पता है वहां सीता जी से मुलाकात होगी। चमन की सैर का था 100 फूलों का बहाड़ा, राम जी बगिया में और उधर सीता जी आई, मंदिर गई मैया का पूजा करने। पूजा की नहीं अधिक अनुराग और निज अनुरूप सुभग भर मांगा, और चंद्र प्रभा जिसने फूल मारा था वो मंदिर नहीं गई, उसने सोचा ला बगिया चल के देखें का भला वादे पर आए हैं कि नहीं जो इशारा कीन रहा। बाबा लिखे हैं कि एक सखी कौन, चंद्र प्रभा, एक सखी सिया संग बिहाई और गई रही देखन फुलबाई। अरे दौड़ी दौड़ी मंदिर आई, दीदी पूजा बंद करो वो बगिया में आ गए। सीता बोली पूजा तो काफी देर की बंद, मन तो बगिया में रहा, पूजा कैसे हो देर तक। अब जैसे सिया जी पहुंची हैं, भैया वाटिका में सुनो जरा, राम ने जब छम छम की आवाज सुनी सोचा लक्ष्मण भैया मेरे पासे में खड़े, तो लाओ सफाई में दो शब्द बोल दे। का सफाई में दो शब्द यूं बोल दे कि लक्ष्मण यूं न समझ पावे कि हमारी यहाँ आने की प्लानिंग पहले से थी। तो राम का बोले, लक्ष्मण बड़ा अचंभा है सारा उपवन झनकार उठा। लक्ष्मण ने सोचा फूल मारा गया, वायदे पर आए हो, अचंभा हमका बताएगा, लेकिन ये बड़े छोटे का देखिए अदब क्या बोले। हे लक्ष्मण बड़ा अचंभा है और सारा उपवन झनकार उठा, हे लक्ष्मण बड़ा अचंभा है, और सारा उपवन झनकार उठा, और छा गई सरसता कमलों में, छा गई सरसता कमलों में, भ्रमरों का दल गुलजार उठा, लक्ष्मण जिन कानों ने उपदेश सुने हर उनके अब ढंग निराले हैं,
और जो नयन लजीले रहे सदा ते हो। हाँ जो नयन लजीले रहे सदा और बोझ से देखने वाले जो हो ही रही थी, कितने में सीता जी आ गई। बड़ा सुंदर दृश्य है यहां का भैया, क्या कि जब सीता जी आई, सीता ने राम को देखा, राम ने सीता को। अब ना तो राम है पलक झपकावे और ना तो सीता जी, दोनों लोग टकटकी लगाए। का है, एक जनक जी के पुरखे थे महाराज निमि, वशिष्ठ से यज्ञ करवाने के लिए कुछ इनकी झगड़ा लड़ाई हुई तो निमि महाराज को वशिष्ठ ने श्राप दे दिया था। ये जो हम लोग पलक झपकाते हैं ना, ये काम हम अपनी करते हैं, ये काम है निमि महाराज का। तो निमि महाराज ने सोचा कि बिटिया दामाद पहली पहली मुलाकात बगिया में कर रहे हैं, पहली मुलाकात है, हम बूढ़े आदमी हैं, का बैठी करें, थोड़ी देर हटो। तो निमि महाराज ड्यूटी से हट गए तो गेट बंद को करे, इसीलिए टकटकी लगी। बाबा ने लिखा है रामायण में कि भये बिलोचन चारु चंचल तो मन हो सकुची, सकुचाई के मन हो सकुची निमित जब दिगंचल मनहू सकुछ। बड़ा प्यारा भाव आया यहाँ पे कि देख कर राम जी को जनक नंदन और बाग में बस खड़ी की खड़ी रह गई। देख कर राम जी को जनक नंदन खड़ी, सभी लोग हंसा दीजिएगा तालियों का मस्ती में। बाग में बस खड़ी की खड़ी रह गई, देखो कर राम जी को जनक नंदन। देख कर राम जी को जनक नंदनी, बाग में बस खड़ी की खड़ी रह गए। ए भैया राम देखे सिया और सिया राम को, हो राम जी जी गुरु जी। राम देखे सिया और सिया राम को, चारों अखियां लड़ी की लड़ी रह गई। राम देखे सिया और सिया राम को, जरा देर ठहरो भगवान हो, जरा देर ठहरो राम तमन्ना यही है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के जरा देर ठहरो राम
तमन्ना यही है अभी हम जी भर के राम देखे सिया और सिया राम को चारों अखियां लड़ी रह गई देख कर राम जी को जग के नंदनी सज्जनों बोली पहली सखी जानकी के लिए रच दिया है विधाता ने जोड़ी सुघर लेकिन पर धनुष कैसे तोड़ेंगे ये कोमल कुमर मन में शंका बनी की बनी रह गई। अब देखो सीता जी पुष्प वाटिका किस लिए गई है यह देखने गई है ये असली वाले राम है या कोई दूसरे हैं असली नकली की भी पहचान देखो रामायण में। अब टकटकी लगी रही एक सखी ने कहा चलो बहना कल फिर आना है। राम ने सोचा ऐसा ना हो ये सिया निकल जाए और हम जो प्रोग्राम बनाए देखने वाला तो लक्ष्मण देख भी ना पाए। तब राम बोले लक्ष्मण हाँ भैया अरे ये लड़कियां ही हैं देख रहे हो। लक्ष्मण बोले नजर तो विधेन पर है। राम बोले सुनो भैया यहाँ पास में मैया का मंदिर है ना तो ये लोग पूजा करे आ ही रहे हैं यहाँ वो कोई प्रोग्राम ही नहीं रहा अचानक आ गई। लक्ष्मण बोले हाँ वो सब पता है हमें। तो राम बोले जो आगे वाली लड़की है ना ये वही सीता है। लक्ष्मण बोले वही सीता मतलब कोई हमारी पुरानी पहचान है जो बता रहे ये वही सीता कौन। तब राम जी ने इशारों में समझाया क्या कि तात जनक तनयाया सोई अरे धनुष यज्ञ जही कारण होई धनुष यज्ञ तात जनक हो तात जनक तनयाया सोई धनुष यज्ञ जही कारण होई धनुष यज्ञ भैया। अब सीता जी से थोड़ा दूर राम जी हट गए तब सीता घबराई कि हम असली नकली पहचान देखे इधर वो तो देखा ही नहीं कुछ। सीता जी परेशान है राघव एक बार दर्शन हो जाते प्रभु अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। राम समझ गए सिया की व्याकुलता। एक सखी ने कहा इधर आओ सीता वो लताओं की तरफ देखो। सखियों के कहने पर जब सिया जी ने देखा तो राम जी दोबारा दर्शन जब सिया को दिए तब सिया ने देखा ये तो असली राम है। का है पहचान कौन सी कि मोर पंख कन्हैया ने भी मोर पंख धारण किया है और राम ने भी कि मोर पंख सिर सोहत नीके गुच्छ बीच बीच कुसुम कली के। मोर पंख जो है ना ये ब्रह्म का मानो प्रतीक चिन्ह या कह लो लोगों जैसे अपनी अपनी पार्टी का अलग अलग लोगों होता है ऐसे ही मोर पंख जो है ये योगी का मानो चिन्ह होता है। ब्रह्म योगी है भोगी नहीं है। अब सीता के मन में एक और शंका आ गई कि मोर पंख है तो ये वही राम लेकिन असली नाम इनका राम तो है नहीं। राम जी तो चले गए। अब सीता सखियों से कहती है ऐसा करो बहना ते मंदिर एक बार फिर चलो।
सखियों ने कहा यू तो नई प्रथा डाल रही हो आप, हमेशा एक बार पूजा हुई और आज अभी पूजा करके आई हो, सामग्री भी नहीं है आप। सीता ने कहा नहीं मंदिर फिर चलो, दोबारा मंदिर काहे गई है, वजन दिमाग में टेंशन बनी है कि असली राम है, असली नाम राम तो है नहीं लेकिन मोर पंख है, तो इसलिए सीता जी मंदिर को दोबारा गई। अब पहले पूजा जल्दी वाली रहा, अब की पूजा विधिवाद, अब की विधिवाद। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, और जय गज बदन खड़ानन माता, जगत जननी दामिनी दूति दाता, जय गज बदन खड़ानन माता, हो जगत जननी दामिनी दूति दाता। और हे अम्बे मैया नहीं तव आदि माथे अवसाना, अमित प्रभाव भेद नहीं जाना, अमित प्रभाव भेद नहीं जाना। अब मैया रानी सोच रही है कि सीता अब है वरदान का मांगे रहो, थोड़ी देर पहले वरदान सिया ने क्या मांगा, निज अनुरूप सुभग बरुण मांगा। अब सीता है गोरी और मेरे राम सांवले हैं, कैसे हाँ करें हम। तब सीता ने एक बात फिर कही है मैया कि देव पूज पद कमल तुम्हारे, असुर नर मुनि सब हो सुखारे। और हे मैया कि मोरी मनोरथ हर जान हुनी के, बसो सदा उर पुर सब ही के। माता आप सबके हृदय में रहती हो, और यदि सबके हृदय में हो तो मेरे भी हृदय में हो, और मैया यदि मेरे हृदय में हो तो फिर हमारे दिल की बात आपको तो पता है। तब माता जी समझ गए तुम्हारे दिल में वे बगिये वाले, और टेंशन यह है तुम्हें कि असली नाम का है। तब माता जी ने, माता गौरा जी ने सीता जी को राम जी का असली नाम बताया, क्या है राम जी का गुप्त नाम। और एक बात और देखना, हम लोग कह देते हैं राम ने धनुहा तोड़ा, अरे राम क्या धनुहा तोड़ते, हिला भी नहीं पाते, राम का केवल नाम हुआ है, राम ने धनुहा नहीं तोड़ा है। और ये भी बात रामायण में लिखी है, राम जी की चोरी केवल लक्ष्मण पकड़ पाए थे। हाँ सुनो, माता गौरा जी ने जानकी जी को बता दिया बिटिया घबराओ ना, ये वह राम है, गुप्त नाम भी बताया, क्या के सुनसिया सत्य आशीष हमारी, पूजी मन कामना तुम्हारी। ये वही है कौन, मन जाहिरा जो मिले सोई बर सहज सुंदर सामरो, करुणा निधान सुजान शील स्नेह जानत रावरो, यही भांति गौरी आशीष सुनसिया सही तही हर सियली, तुलसी भवानी पूज पुन पुन मुदित मन मंदिर चली। क्या है राम का गुप्त नाम, मन जाहे राचो मिले सोयवर सहज सुंदर सांवरो, करुणा निधान। ये करुणा निधान नाम जो है ये राम जी का गुप्त नाम है। और पूरी रामायण में पढ़िएगा, जहां जहां ये नाम लिखा है बाबा ने, वहां कोई विशेष जरूरत पड़ी है तब लिखा है। लंका में जब अंगूठी डाली गई, सीता जी अंगूठी को लेके परेशान, ये पादुका वहीं उतार देते भैया, पादुका वहीं उतार दिया करो, बोलो गोविंद भगवान की जय हो, जय हो। दरअसल में मंदिरों में कथाओं में अक्सर ये चप्पल जूता चोरी हो जाता है,
अब इसी चक्कर में आजकल हमने कहीं कहीं देखा है कि आधी पूजा लोग अपने जूतों के ही कर लेते हैं, है ना। मंदिर के बाहर बढ़िया नंबर एक वाली बूट उतार के रख दिए, मंदिर में गए भोले बाबा से कहते हैं तुम्हें वो माता याद आ गया बूटे न कोनो ले जाए और श्लोको न टूटे, तो पीछे मुड़े जूतों की तरफ देखा कहा पिता तुम्हें वो है, फिर उधर तुम्हें वो बंदो, फिर कहा तुम्हें वो आधी पूजा तो उसे निकल जाती है। खैर बोलो राम कृष्ण लाल की जय हो। अरे बोलो सीता सीता राम सिया राम राम राम, बोलो बोलो सीता राम राम। ओ सीता सीता राम बोलो सीता राम सीता सीता राम बोलो सीता राम बोलो राम बोलो सीता सीता राम हो सिया राम राम राम। बोलो सीता सीता राम राम राम। मंगल भवन मंगल हारी उमा सहित जय जपत पुरारी राम बोलो सीता सीता राम सिया राम राम राम। सीता राम सिया राम राम राम। बोलो सीता सीता राम सिया राम राम राम। बोलो सीता सीता राम सिया राम राम राम। बोलो सीता सीता राम सिया राम राम राम। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। सुनो जब हनुमान जी ने वो अंगूठी दी, सीता जी चक्कर में पड़ गई, अंगूठी लाया कौन? हनुमान जी बोले हम। सिया ने कहा अरे तुम बंदर हो वो नर है, तुम्हारी संगति कैसे हुई? तो देखो राम जी का गुप्त नाम यहाँ पर भी लिखा है, रामायण में पढ़िएगा। हनुमान जी ने बताया कि राम दूत में अरे मां तू जानकी, अब विश्वास ना हो तो हम कसम खाए जाए। किसकी खाइयो कसम? तो बोले सत्य शपथ करुणा निधान की। सीता समझ गई हमारे अलावा ना कोई जनता ही नहीं, इसलिए तुम हो उन्हें भेजे। और एक बात बताएं, सीता जी राम की नहीं है ना, सीता जी किसकी है? कि जनक सुता जग जनन जानकी, और अतिशय प्रिय करुणा निधान की। बोलो करुणा निधान भगवान की जय हो। बाबा लिख देते के अतिशय प्रिय भगवान राम की नहीं, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। अब सीता गुप्त नाम सुन के प्रसन्न चित्त होके घर आई हैं। बस थोड़ी सी बात में देखो धनुआ राम ने नहीं तोड़ा, फिर किसने तोड़ा? आज वर्ष का अंतिम दिन है, देश देश के राजा आए हैं, भीड़ भीड़ लगी, और उसी समय राम और लक्ष्मण भी आ गए गुरु जी के साथ। अच्छा जहां पे समाज होता है तो कोई जरूरी नहीं है कि सब एक ही भावना जैसे लोग बैठे हो। भाई मेरी कथा में कुछ कथा के लिए आते हैं, कुछ ये झांकी प्रदर्शन देखने आते हैं, कुछ लोग केवल हम ही देखने स्पेशल आते हैं, मोड़ मोड़ने वाले आए हैं। बीच बीच हमारी अफवाहें न चला करती हैं, कहीं कहीं फोन आते पंडित जी आप मर गए हो पता लगा तो हम कहते भैया चेक करो पैर आगे हैं या पीछे हैं, हाँ कहीं भूत तो नहीं बने घूम रहे हैं, कुछ इसलिए भी आते हैं। अब जाके रही भावना जैसे, तो प्रभु श्री राम जब वहां पहुंचे तो कुछ लोगों ने कहा रे देखो हो बाबा आए हैं, छोटे छोटे बच्चा लाए हैं। तो राम जी उनको मानो बालक नजर आ रहे हैं, जो जिस भाव से देख रहा है मेरे राघव उसको वैसे ही दर्शन दे रहे हैं। जाकी रही भावना जैसी,
ओ प्रभु मूर्ति देखी तीन तैसी बैठ गए। और जैसे ही बैठे हैं थोड़ी देर के बाद श्री सीता जी वहां पर पधारी है। यहां पर गोस्वामी जी एक चौपाई लिखते हैं और इस चौपाई को लेकर के कई जगह मैंने सुना है काफी लोग अपना विचार विमर्श व्यक्त किया करते हैं और वो चौपाई है कौन के रंग भूमि जब अरे सिया पगुधारी तो देख रूप मोहे नर नारी देख रूप राम जी जी गुरु जी रंग भूमि रंग भूमि हो रंग भूमि जब सिया पगुधारी देख मोहे नर नारी हो समय सीता जी वहां पर आई है भैया। अब सिया जी को देख करके नर नारी मुग्ध हो गए। अब लोग इस चौपाई को ले गए। एक जगह एक भैया ने हमसे भी पूछा था कि पंडित जी ये बताओ सीता जी को देख के नारी काहे मोहित हुई। तो हमने कहा काहे भैया, बोले रामायण में लिखा है क्या मोहि न नार नार के रूपा। ए ध्यान देना, मानस में यह लिखा है मोहिन नारी नारी के रूपा। तो हमने कहा भैया इसका मतलब क्या लगाए हो। बोले मतलब यही है कि नारी नारी को देख के मोहित नहीं होती है तो सीता जी को नारी देख के काहे मोहित हुई। तो हमने कहा पहले यह बताओ ये रामायण में चौपाई लिखी तो है मोहिन नारी नारी के रूपा, लेकिन ये पढ़े हो ये चौपाई रामायण में लिखी कहां पर है। बोले नहीं ध्यान है। हमने कहा ध्यान करना, ये चौपाई उत्तरकांड में लिखी है, पढ़िएगा। ये चौपाई उत्तरकांड में लिखी है कि मोहन नार नार के रूपा। उत्तरकांड जो है रामायण का, ये उत्तरकांड में भैया पूरा अध्यात्म है, यानी उत्तरकांड की हर एक चौपाई हमारे आपके जीवन में उतारने योग्य है। उत्तरकांड में पूरी अपनी कथा है, अपने सुधार के लिए हर एक चौपाई है। एक चौपाई यदि अंदर अपने आपके बैठ गई समझो जीवन धन्य। लेकिन उत्तरकांड की बड़ी खराबी लोग कर देते हैं, हमने देखा है 24 घंटा वाली बैठाई दी और रात भर खूब तर्ज बनाए बनाए के रामायण पढ़ी गई और जब आया उत्तरकांड जिसमें कुछ सीखना है तब क्या होता है, घर वाले कहते हैं कि भैया ये कई बजे खत्म हुई कब हवन हुई। तो पढ़ैया का कहा तुम लकड़ी की व्यवस्था करो हम अभी 2 मिनट में चे दे। हमने सुना है पढ़े वाले कहा तो तुम व्यवस्था करो भैया 2 मिनट में उड़ाए दे। और उत्तरकांड जब 2 मिनट में उड़ाए दे हो तो का जने में का लिखा। उत्तरकांड में अपनी कथा है, हर चौपाई अपने अंदर उतारने योग्य है। ये जो चौपाई है उत्तरकांड की है मोहन नार नार के रूपा। ये चौपाई केवल 2 नारियों के लिए लिखी है बाबा ने। लेकिन अब कल्पना करते हैं जब से राम अहिल्या तारी तब से नाम पड़े पगधारी और पगधारी देखे नर नारी मोहे सीता को नहीं, ऐसा बाबा ने रामायण में नहीं लिखा है। अब सुनो 2 नारियां हैं कौन जिनके लिए उत्तरकांड में बाबा ने लिखा है। ये 2 नारी ऐसी हैं एक दूसरे को देख के मोहित नहीं होती हैं। एक नारी है माया और एक नारी है भक्ति।
ये दोनों ये घर में नहीं मिले हैं, तुमका चेक कर लियो। जिनके वहां माया की कृपा है, माया की पैसा बहुत है, पता लगा लियो। भागवत बड़ी चीज है, सत्यनारायण कथन है घर में हो, डॉक्टर ने खोप दे घमा जा, कथन चंदा देखो तो नहीं करे, अब ऑर्केस्ट्रा होता तो 10% ब्याज लेके लुटा रहे। तो जिनके वहां माया है भक्ति नहीं है, और जिनके वहां भक्ति है वे बेचारे माया से परेशान है। मोह नारी नारी के रूप है, यानी माया भक्ति ये दो नारी है। अच्छा, थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर के लिए यदि ये चौपाई हम माताओं के ऊपर लागू करें कि माताओं में खास करके ऐसा होता है एक दूसरे को देख के मोहित नहीं होती है, तो सीता जी को देख के नारी का है मोहित हुई। अब इसमें पगधारी या दुनिया की कथाएं जोड़ने का कोई तात्पर्य है ही नहीं। पहली बात तो यह है कि नारी का स्वभाव है नारी को देख करके मोहित ना होना, और सीता जी को नारी देख के काहे मोहित हुई, क्योंकि सीता जी उस समय नारी थी ही नहीं। हाँ, कौन कहता है सीता जी उस समय नारी थी? सीता जी उस समय थी कुमारी। हाँ, ये अपने भारत की परंपरा है, बिटिया की जब तक शादी न हो जाए तो लिखा पढ़ी में लिखती है कुमारी, शादी के बाद श्रीमती, यानी जब तक शादी ना हो तब तक कुमारी, शादी के बाद बन गई नारी, संतानें हो गई तो वही बन गई महतारी। ये भारत की नियमावली है। तो सीता जी उस समय नारी नहीं है जब नारी मोहित हुई है, सीता जी उस समय कुमारी है, और कुमारी कन्या वैसे भी भैया जगदम्बा रूप होती है। इसी चौपाई पहले बाबा ने चौपाई लिखी है मानस में, कैसी शोभा नहीं जाई बखानी, जगदम्बिका रूप गुण खानी, जगदम्बिका रूप गुण खानी, जगदम्बिका सुय शोभा जगदम्बिका रूप गुण खानी, हो रामा रूप गुण खानी जगदम्बिका, जगदम्बिका रूप गुण खानी। नारी इसलिए मोहित हुई थी क्योंकि सीता जी उस समय कुमारी थी ना कि नारी। सिया जी चली गई, सतानंद जी ने आकर के सभा को संबोधित किया कि कब ये धनुहा आया, कैसे प्रतिज्ञा हुई, आज वर्ष का अंतिम दिन है, लगाओ ताकत, आजमाओ किस्मत। कुछ राजा उठने वाले थे, अचानक जोर का हुआ धमाका, लोगों ने देखा उस सभा में दो राजा आए हैं, एक लंका का राजा रावण और एक सोनितपुर का राजा बाणासुर। एक लंका का राजा रावण और एक सोनितपुर का राजा बाणासुर, और दोनों शिव के पुजारी। हाँ, निवेदन है जो कार्यकर्ता बाहर ड्यूटी दे रहे हैं, ये जो पादुका पहन के अंदर आ रहे हैं इनको वहीं पे रोक लीजिए। बोलो गोविंद भगवान की जय हो। सब लोग मुझे ढारो, पैसे नहीं पड़ना है, बोलो, बस दो दिन का और समय है, जितने ज्यादा बुवाई कर लो उतने बढ़िया है। बोलो राघवेंद्र सरकार की जय हो। अब बाणासुर और रावण में पहले तो कुछ बातचीत हुई, हे भैया, बाणासुर चला गया, रावण ने ललकार दिया, निमंत्रण नहीं था लेकिन घमंडवश आ गया, होता है ऐसे लोग पहुंच जाते हैं। रावण ने ललकारा, जनक
ओ इधर आओ। जनक आए हमारा, कहा एक साल से प्रोग्राम चल रहा है हमें खबर नहीं। अरे तुम नहीं आ पाते थे लंका तो समुद्र में डाल देते निमंत्रण, मेरे पास पहुंच जाता। जनक बोले महाराज कुछ दिमाग से बात उतर गई साहब, चलो अब ही आ गए, अब ही स्वीकारो, तोड़ो धनुआ। तो जैसे रावण धनुहा के करीब गया तो क्या देखा, धनुहा पे लिखा है, क्या धनुहा पे लिखा है कि जो कोई धनुहा तोड़ेगा उसका हाल क्या होगा। लेकिन हिंदी अंग्रेजी संस्कृत में नहीं लिखा था, कौन सी भाषा लिखी है, ब्रह्माक्षरी। और ये ब्रह्माक्षरी का लेख केवल अवतारी पुरुष ही पढ़ पाते, राम अवतारी है और रावण भी अवतारी है। रावण को साधारण ना गिनना, रावण अवतारी है। काकभूषण गरुड़ संवाद में पढ़िएगा, ये अवतारी है रावण। रावण ने पढ़ लिया, अच्छा जिस विद्या का जिसको नॉलेज है वही तो पढ़ पाएगा। देहात का आदमी अंगूठा टेक, अंगूठा, और उसको अंग्रेजी का कविता लिख के पन्ना पकड़ाओ पढ़ो तो कहा गए मैं चील बिलुआ बना बढ़े का। जिनको नॉलेज नहीं है वो कहते हैं ये हाथ में लकीरें हैं, और जिनको ज्योतिष का ज्ञान है वो कहते हैं भैया इसमें तो पूरा भविष्य लिखा है। तो रावण ने पढ़ लिया क्या लिखा है धनुहा पर, जो कोई धनुहा तोड़ी है वह का हाल का हो है। सुनो के तोड़ी है धनुष बाको पिता मर जाई, और फिर नारी सहित बन बिचर ही जाई। रावण देखो विधि के अंका, और तब मन मा उपजीयत शंका के काहे हम धनुहा तोड़े जो बापो मरे, और पत्नी सहित जंगल में एक दो नहीं। ए भैया लिखा है कि रावण के मंदोदरी सहित 14,000 रानी थी। रावण ने सोचा 14,000 के लिए लिए कहां घूमा। रावण तुरंत वापस आया, और जितने राजा महाराजा बैठे हैं, रावण बहुत विद्वान है, मस्तक रेखा का बहुत बढ़िया इसे ज्ञान था। रावण ने सबके मस्तकों को निहारा, जब राम को देखा, इधर आओ राम जी आए, क्या हुआ। रावण ने कहा इसे धनुहा तोड़ने में तुम्हारा ही नाम होगा। राम बोले कैसे जाने वा। रावण ने कहा जो तुम्हारे मस्तक पे लिखा है वही धनुहा पे लिखा है। तो राम बोले महाराज मस्तक पे क्या लिखा है। रावण ने कहा वही जो धनुहा पे लिखा है। राम बोले अच्छा धनुहा पे क्या लिखा है। कहा जो तुम्हारे मस्तक पे लिखा है। राम बोले मस्तक पे क्या लिखा है। अरे जो धनुहा पे लिखा है। राम बोले वही तो पूछ रहे धनुहा पे लिखा क्या है। अरे जो तेरे मस्तक में। राम बोले फिर मस्तक में क्या है। तो रावण ने सोचा बताई दे। तब रावण ने बताया है क्या कि हे राम तुम्हारे मस्तक पर और हे पिता मरण बनवास लिखा, हे राम तुम्हारे मस्तक पर तुम्हारे मस्तक पर और है पिता मरण बनवास लिखा, और इतना ही नहीं हे राम तुम्हारे हाथों से हो और रावण का सर्वनाश लिखा। अरे इतना कह के भैया रावण चलने लगा,
और समाज में जानते हो हर क्वालिटी के इंसान होते हैं, कुछ बनाने वाले तो हमें कुछ बिगड़े वाले, बिगाड़ने वाले क्या एक दो आपस में बोले देखा भैया 10 और 20 भजा धनुहा छुआ तक नहीं जा रहा, तो किसी ने कहा रे तुम कहा जानो सीता सबके नसीब कहाँ है। ए भैया जैसे रावण ने इतना सुना रावण वापस खड़ा हुआ, बस खबरदार ये मत समझ लेना कि धनुआ नहीं तोड़े हैं तो हम कोई कायर हैं, ये मेरी मर्जी है। और यदि तुम लोग नाम लिए हो सीता का तो एक बात मेरी सुनो कि धनुआ को तोड़ा कर नहीं तो यह प्रण करके जाऊंगा। क्या श्री जनक लली सीता जी को लंकायक दिन पहुंचाऊंगा, धनुआ को तोड़ा कर नहीं तो यह प्रण करके जाऊंगा। और श्री जनक लली सीता जी को लंकायक दिन पहुंचाऊंगा, रावण चला गया। अब एक दूजा चार राजा उठे, धनुआ नहीं हिला, कुछ तो चले गए, कुछ बेशर्मी गई के बैठ गए। पड़ोसी कहते चलो हो, बोले अभी नहीं जा, क्यों कह धनुआ टूटी है नहीं तो राजा का प्रण टूटी है, और जब प्रण टूटेगा तो फिर ये होगा कि जो लड़का अच्छा हो उसको सिया माला पहनावे। अच्छा अपनी अपनी समझ में तो सब अच्छे। जनक जी खड़े हुए 20 मिनट के बाद महाराज जनक जी रोने लगे, हे द्वीप द्वीप के राजा गण, हम किसे कहें बलशाली हैं, हमको तो यह मालूम हुआ पृथ्वी वीरों से खाली है। कुछ लोग उनके तवाई गुस्सा चला हो, कुछ लगा दे बैठक का चिल्लान दे। जनक बोले हमें यदि पहले पता होता कि पृथ्वी पर कोई वीर योद्धा नहीं पैदा हुआ है मैं यह प्रण नहीं करता। अरे जाओ तुम लोग चुल्लू भर पानी में डूब करके मर जाओ, अपने को क्षत्रिय कहते हो, शर्म नहीं आ रही, धनवा नहीं उठ पाया, पता चल गया यहाँ पर कोई वीर योद्धा बैठा ही नहीं है। कोई नहीं बोला लक्ष्मण भैया ताल ठोक के आ गए, बस खबरदार जनक जी एक तो सब जैसे वैसे कह दिए तो यहां मैं भी बैठा हूं, मैं भी एक क्षत्रिय हूं। सब एकदम सन्न। लक्ष्मण ने मुड़ के देखा राम जी का चेहरा जैसे मुरझाया गुलाब का फूल। राम ने सोचा भैया तुमका धनुहो दिखाए और तुमका सीतों मिलवाए, लेकिन मान्यो नहीं। अब रामायण में देखो भाई भाई में ऐसा बात हो गई समझ कोई पैबे नहीं करी। लक्ष्मण ने देखा कि बड़े भैया उदास हैं, तो लक्ष्मण का बोले बड़े भैया मैं ऐसे नहीं आता, क्यों पहले तो सब जाना समझा राग है, ऐसा नहीं आता। अरे मैंने ताल यदि ठोका है तो कारण है क्या कि सच्चे योद्धा सच्चे छत्री अपमान नहीं सह सकते हैं, अपमान नहीं सह सकते हैं, और जिनको सुनने की ताब नहीं वो चुप कैसे रह सकते हैं। सच्चे योद्धा सच्चे छत्री अपमान नहीं सह सकते हैं, जिनको सुनने की ताब नहीं वो चुप कैसे रह सकते हैं। इतना जलील कर रहे थे हम लोगों को, छत्री हूं आ गई गुस्सा,
राम अब उन्हें कुछ समझे मुस्कराए नहीं। लक्ष्मण दूसरा इशारा किए कि मेरा स्वभाव तो ऐसा है, आप तो हमें भली भांति जानते हो, ऐसा बता रहे हम ना, अपमान न मुझे गवारा है कृपा गुरु के चरणों की, बल और प्रताप तुम्हारा है। दूसरा इशारा है कि धनुहा हम अभी तोड़ेंगे तो नाम किसका होगा? गुरुजी का और आपका। क्यों? क्योंकि हम सबसे छोटे हैं। अब हमारे साथ इतने छोटे बड़े जो भी कलाकार हैं, कितना बढ़िया भी ये गाएं बजाएं कुछ करें, नाम किसका होता? सुरेश अवस्थी। तो लक्ष्मण ने इशारा किया धनुहा हम तोड़ेंगे, नाम आप ही तो हुई है। लेकिन राम जी चाहत कहां? अब हो नहीं राम मुस्कराना। तब लक्ष्मण ने आखिरी इशारा किया, क्या? कि अभिमान त्याग कर कहता हूं, आदेश तुम्हारा पाऊं मैं तो धनुआ की है क्या बिसात, सारा ब्रह्मांड उठाऊं मैं। यो इशारा बढ़िया। लक्ष्मण ने कहा बड़े भैया हम ताल ठोक रहे हैं यहीं पर न जाएं, धनुआ जब है तोड़ब, जब आज्ञा दे हो तब। तब राम जी मन में सोचिन बेटा ताल ठोके रहो, आज्ञा तुमका हम देबे न करब। लक्ष्मण ने यही इशारा किया है, आज्ञा दे हो ना धनुआ छुप नाई, आज्ञा दे दे हो तुम्हें धनुआ तोड़ी। तब राम ने सोचा तो कोई दिक्कत ही नहीं, आज्ञा देवे नहीं करी। रामायण में यही लिखा है। लक्ष्मण ने क्या कहा है? धनुआ ऐसे नहीं तोड़ूंगा। फिर बोले जाओ तुम्हारी अनुशासन। लक्ष्मण ने कहा भैया हम ऐसा धनुहा नहीं छुएंगे, ताल ठोक रहे हैं, लोगों के दिल में अपनी जगह बना रहे हैं, तोड़ेंगे कब? जो तुम्हारी अनुशासन पावो तो कंदो कभी ब्रह्मांड उठाओ। तुम्हारे अनुशासन पावो कंदु को भी वो ब्रह्मांड उठावो। धनुहा में क्या है? ये धनुष पुराना घिसा पिटा तिनके सा किस गिनती में है। अरे सैकड़ों कोस तक ले दौड़ू इतना तो धम उंगली में है। और इतना कह के लक्ष्मण ने मारी एक थाप, राजाओं के सिंहासन डगमगाए। राम ने सोचा ऐसा ना हो जोश में होश खोए दे, ना आज्ञा ले तोरे डरे तब का होई। तो राम ने इशारा किया बैठ हो गया सब, लक्ष्मण बैठ गए। अब लोग क्या कहते हैं? देखो टूटा धनुहा। तो किसी ने कहा भाई तो छोटे अबे बड़े तो बाकी। अरे कहीं छोटा इतना कूद गया, बड़ा थोड़ा ज्यादा बस। अब राम जी बेचारे सोच रहे हैं कि ज्यादा फायदा छोटा बनने में है, बड़ा बनने में कोई फायदा ना है। छोटा बनना सीखो भाई, में ही छोटे हो, घर के अंदर 24 घंटा सेवा उपलब्ध। और बड़े हो तो दरवाजे पहुंचा ना ही खांसी आवा तब अंदर जाओ, बड़ा बनने में नहीं फायदा। राम सोच रहे काश कहीं हम भी छोटे होते तो हम जाते, अब जाएं तो कैसे जाएं, हम मर्यादा में। गुरु जी समझ गए राम जी अब चाह रहे हैं। तब गुरु महाराज कहते हैं
के उठो राम भंजव भव चापा उठो मेरे राम भंजव भव चापा और मेट होता जनक परतापा उठ मेरे राम जनक परितापा प्रभु श्री राम उठे। अब यहीं पे समझना है जब लक्ष्मण उठे तो ताल ठोक रहे हैं और जब मेरे राम उठे तो सबसे पहले गुरुदेव को प्रणाम किया ए भैया, उसके बाद जितने राजा महाराजा बैठे हैं राम जी झुक के सबको प्रणाम किए मानो पावर लिए। ये सूत्र याद रखना राम जी का। राम जी ने कहा है कि जो लोग झुकना जानते हैं, जो लोग झुकना जानते हैं समाज में उनकी इज्जत है, उनको विजय मिली है। और एक बात बता दें, संसार में तुम चाहे जहां चले जाओ, पूरे विश्व में कहीं भी चले जाओ, यदि तुम्हारे अंदर झुकने वाला गुण है तो कभी भूखे पेट सोना नहीं पड़ेगा। झुकने वालों का सम्मान है। अभी समय तो मौसम चल रहा है, आप लोग देखे हो इस समय फसल चल रही है आम की। आम की देखिए जाके आम की डाली झुक गई और आम की डाली झुक गई, इसीलिए विदेशी लोग क्या कहते हैं, विदेशी लोग आम नहीं कहते हैं, विदेश में विदेशी लोग कहते हैं भैया ये भारत का अमर फल है। आम जो है अमर फल, और काहे है अमर फल, झुकना सीखा है। और कैसे अमर फल है, ज्यादा नहीं 2-4 हजार रुपए किलो मिठाई मंगवाएं, 4 हजार रुपए किलो, और भगवान का भोग लगाए दें और दें आपके एक पीस, भैया ले पाओ प्रसाद है भगवान का, 4 हजार रुपए किलो है, एक पीस महिमा रखो और फिर कहां रुको, एक हाथ पे निकालो तो मान लो हमारे कहे सुने से उगिल ले हो हाथ और फिर कही चलो अच्छा खाए जाओ, महंगी मिठाई है प्रसाद है खाई हो नहीं, यह कहो महाराज घरे बांध के ले जाओ हम उगिल नहीं खाओ, कत्तो महंगी हो। और आम, आम 10 रुपया किलो, गुठली रहे मोहमा बाहर लाए देखने भाई दहने बाल बचा खट्टा, फिर मैं चौराहे देखो ठेला पर खड़े हैं, अप डाउन अप डाउन, गिरी जाते तो जमीनों से उठाई लिए तो फूंक मार फिर सुनो जले वह का तब तो ना निकाल ले तले का तल्ले नहीं छोड़ हा? हा? ये झुकने का फायदा है। कितनों बड़ी आंधी आ जाए तूफान आ जाए, देखे हो मोटे मोटे पेड़ लुढ़क गए, का कहो पतौरा देखे लड़का नहीं, आंधी आई पतौरा भैया साष्टांग प्रणाम करते हैं, आंधी कैसे बेटा बहुत झुक गए सदा सुखी बने रहो, आंधी चली गई फिर लहर यार तने झुक गए का बिगड़ गो हैं, अकड़े रहे सिमरा भाई आंधी के झुके हो नहीं, कहीं नहीं झुकूंगा, जर से लौटी चली गई सवेरे आराम से न पहुंच गए
अरे झुक जाते तो उतना जल्दी आराम नहीं जाते। हाँ ऊपर ऊपर सब चले, नीचे चले न कोई, और एक बार नीचे चले तो सबसे ऊपर होए। तो राम जी ने पहले नंबर में तो ये पावर ले लिया। अब जनकपुर की महिलाओं ने देखा ये कहा है कि बड़का आ रहा है धनुआ के पास। सखियां कहे लागी अब तो बड़ी बदनामी हो जाएगी। कहे अरे कहीं बहुत सुकुमार, हम तो बगियन देखा रहा है, भाल तिलक शर्म बिंदु सुहाए, हमने बगियन देखा था, ये पसीना बहत रहा फूल तोड़े। तो दूसरी बोली जब इतने सुकुमार है फूल तोड़े में पसीना बहावत रहा है, तो धनुआ तोड़े में का चिल्ली तड़ा पे डरे टूटे थोड़ो आवन देव। राम जी पहुंच गए। अब राम जी धनुआ को देख रहे सोच रहे हैं कि मानो हम हाथ लगाए नहीं ना टूट, तो कोई तो कुछ ना कहे लेकिन लक्ष्मण जी ही ना दे। हाँ यह कहे हमका छुए ना दियो खुद तोड़ नहीं पाए। राम जी खड़े, भोले बाबा आए हैं प्रत्यक्ष नहीं परोक्ष रूप में। तो भोले बाबा ने भी कहा राघव इस धनुष का खंडन करो, महात्मा दधीच का कल्याण हो जाए। भोले बाबा पावर दे गए लेकिन राम जी का जीव अब हो नहीं मजबूत। राम जी की नजर कहां, ऊपर वाली अटारी पर। काहे राम जी सोच रहे थे ने हमरे सीता नजर आवे उनसे हमका पावर मिल जाए। एक बात बताएं सब लोग याद रखना, इन माताओं को छोटा मत गिनो, माताओं को छोटा मत गिनो, क्योंकि ये लोग शक्ति हैं शक्ति, और शक्ति के बिना ब्रह्म अधूरा है। माताओं का सम्मान करना सीखो, क्यों ये भारत की माताओं की ही कृपा है, ये भारत की माताओं की ऐसी महिमा है जो अपना ये आज भारत देश जो है ना, अन्य जितने भी देश हैं किसी देश में माता शब्द नहीं जुड़ा है, किसी देश में माता शब्द नहीं जुड़ा है, माता शब्द है तो केवल भारत देश में है। इसीलिए कहते हैं भारत माता की जय। बोलो भारत माता की जय हो। कि जैसे वृक्षों में मिला चंदन को बड़ा अधिकार है, और पर्वतों में है मगिरी नदियों में गंगा धार है, पुष्पों में जैसे कमल और नागों में जैसे शेष है, ऐसे ही हर देशों से प्यारा अपना भारत देश है। यह माताओं की कृपा है जो आज भारत देश माता के नाम से प्रसिद्ध है। अरे इनको छोटी काहे गिन रहे हो, ये बहुत बड़ी हस्ती है। ये माताओं का पावर है जो ब्रह्मा विष्णु महेश को बताओ छाछा महीने की बनाई दी है, ये इनका पावर है। यमराज से अपने पति के प्राणों को खींच छीन लिया। और एक बात बताएं, धर्म कर्म करने में, धर्म कर्म करने में हम लोग बहुत पीछे हैं। माताओं के सामने मानो हम लोग फेल हैं। अरे धर्म करना हम तुम क्या जाने, धर्म कर्म करती हैं हमारी माताएं, और धर्म कर्म ही लोग ज्यादा करती हैं। इसीलिए लिखा पढ़ी में इनका नावों का लिखा जा, लिखा पढ़ी में इनके नाम के आगे लिखा जाता है धर्म, लिखा पढ़ी में लिखा जाता है धर्म यानी धर्म पत्नी, इनके नामों में धर्म जुड़ा। नारी कोई जा रही कौन कहिए उनकी धर्म पत्नी, हमरे तुमरे नाव के आगे नहीं कोई कहती है उनके धर्म पति जा रहे। धर्म कर्म हम लोग कम करी थे, रहा तो हो व्रत, नवरात्रि आई घन पंडित जी हम आगिल पाछिल हन बढ़ते आगिल पाछिल, और सवेरे सवेरे 2 लीटर शरबत 5 किलो आलू उबाल के अंचिन कहना वो काम करे तो जाम नहीं हम तो हन बढ़ते वारे व्रत। अरे माताओं के ऐसे ऐसे व्रत हैं कि 24-24 घंटा पानी नहीं पीती ये लोग। हम तो कहते इनके वाले 2-4 व्रत करके ट्राई करके देखो जिंदे नहीं रहे।
तो माताओं को कम नागिनों ये शक्ति है, शक्ति के बिना ब्रह्म अधूरा है। और वैसे तो राधे श्याम जी ने भी दर्शाया है कि दुनिया में यदि कुछ पाना है तो नारी का सम्मान करो, दुनिया में यदि कुछ पाना है कुछ पाना है और तो नारी का सम्मान करो। और भैया दुनिया से यदि मिट जाना है हो तो फिर नारी का अपमान करो। दुनिया से यदि दुनिया में यदि कुछ पाना है तो नारी का सम्मान करो, और दुनिया से यदि मिट जाना है तो नारी का अपमान करो, जैसे रावण और दुर्योधन। कहते हैं ना कि नारी चाहे धनहीन करे और नारी चाहे धनवान बनावे, नारी चाहे पति संग जरे, नारी चाहे तो कलंक लगावे, और नारी के संग सदा सबकी पत, नारी चाहे तो भगवान मिलावे। राम जी की नजर ऊपर अटारी पर है कि हमारी सीता जी आवे तो वो कुछ पावर हमें दे, तब हम धनुहा के थोड़ा चेक करें। और सीता जी अटारी पर आई नहीं, काहे वहां मीटिंग चल रही है। मीटिंग कैसी, पांच वहां बैठी दस वहां बैठी, कहीं बहनी अब कहो अब तो धनुहा के पास खड़े, कहीं अब ऐसा करो देवी देवता बनाओ। अब कायदे से देवी देवता जब बहनी आवत याद, जब कोई आफत भर पड़े वैसे नहीं। अब क्या है, कोई कोई हाथ जोड़ी बैठी है, भोले बाबा तुम्हार धनुहा है टूट जरूर जाए महाराज प्रसाद चढ़ेबे। कोई कोई कहती है पहिया लागो माता जी तुम जाने टूट जरूर जाए। अपन अपन शक्ति अपन अपन पावर, कोई कहती है गणेश भगवान तुम जाने तुम तो विघ्न विनाशक हो बाबा टूट जरूर जाए। और सीता जी सीधे कांटेक्ट किया धनुहा से, महाराज काफी आपका पूजन किया है मैंने। तो धनुहा कहता है तो बताओ देवी जी हमें करना क्या है। सीता बोली महाराज हो सके तो थोड़ा हल्के हो जाओ। धनुहा बोला कत्ता हल्का जाए। सीता जी ने सोचा एक दो ग्राम बताई दे तो मान लो हमारे राघव उठाए तो ले हैं, फिर पता है तोड़ पहन के ना। सीता बोली ना ना हल्के मत होना। फिर तो सीता ने कहा कि जब हमारे राघव हाथ लगावे तो तुम दो टुकड़े हो जाए। धनुहा कहता है एक साल से हम टूटे नहीं और अब टूटबे हमारी तो हंसी हुई जाइए। सीता ने कहा सुनो तुम टूट रहे हो तो हमका दो लोगन जोड़ी तो रहे हो। सुनो भैया तुम्हारे टूटने से कोई जुड़ रहा है तो टूट जाओ, काहे पर ही तो सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। पावर लग रहा है और सब लोग थोड़ा थोड़ा पावर लगा लेना मस्ती के साथ तालियों के साथ। विनय त्रिपुरारी की फिर पंजा लागा वाली बोली कि उनके नारी की योजना सबकी एक ही तो है कि धनुहा को तोड़े मेरे राम। विनय त्रिपुरारी Thank you.
करूं बंदन गणेश का, करूं बंदन गणेश का, विनय त्रिपुरारी की क्या उनकी नारी की, धनु हाथ तोड़े मेरे राम शंकर के धनुहा अब विनय करे बैदेही, शंकर के शंकर के धनुहा अब विनय करे बैदेही, तुम दो टुकड़े हो जाना जब पकड़े राम सरी, विनय तुमसे यही, तुमसे यही मेरी बार बार है, विनय त्रिपुरारी की हो उनके नारी की, धनुहा को तोड़े मेरी राम हो के उनके नारी की, धनुहा को तोड़े धनुहा को तोड़े मेरे। तब धनुहा कहता है अरे खड़े हैं कह दो हाथ तो लगावे तब तो दो टुकड़े होवे। ए भैया सीता जी पहुंच गई अटारी जहां राम टकटकी लगाए थे, सिया ने किया इशारा अरे हाथ लगाओ काम हो गई है। तब राम जी ने धनुहा में हाथ लगाया कि लेत चढ़ावती, राम ने क्या लिया सीता जी से पूरा पावर, और लेत चढ़ावती भैया खई चती गाढ़े, और काहुन लखा देख सब ठाड़े। अब सुनो नाम क्या हुआ, राम ने धनुहा तोड़ा लेकिन धनुहा राम जी ने नहीं तोड़ा है, ये बात लक्ष्मण भैया राम की चोरी पकड़ लिए थे। हाँ लक्ष्मण देख रहे थे सब, तो इसीलिए रामायण में लिखा है आगे कथा आती है जब परशुराम जी आते हैं यहां पर, राम जी पे नाराज हो गए, तब लक्ष्मण ने कहा है बाबा तुम भैया पे बेकार नाराज हो रहे, धनुहा ये थोड़े तोड़ी नहीं, छुवत टूट रघुपति ही न दोसु। अरे हम कसम खा जाए हम देख रहे थे भैया हाथ लगे न दूर टुकड़ा हो गो अपने आप, तो दादा हमें क्या करा, और हम लोग कहते राम ने धनुहा तोड़ा नहीं, राम ने काली हाथ लगाया धनुहा दो टुकड़ा इतने हो गए। बस थोड़ी सी बात में अब सीता जी आती है जयमाल लेकर के यहाँ पर, तो कहीं कहीं कहते हैं राम जी थोड़ा ऊंचे थे सीता छोटी थी, ए राम जी दो चार पांच फीट ऊंचे नहीं थे, आठ दस अंगुल का फासला है, तो सिया ने सोचा ये जयमाल है अगर जो हम थोड़ा ऊपर हाथ उठाए तो जयमाल तो पड़ जाए, लेकिन मर्यादा के अंदर रहना है ना, भारत की परंपरा माताओं को चाहिए ये नियम देखिए सत्संग में या मंदिर में लागू नहीं है, क्योंकि मंदिर में जाना है घंटा बजाना है तो सर के ऊपर हाथ उठे,
कोई दोष नहीं है। अन्यथा कोई शादी पार्टी है या भीड़ भाड़ का एरिया है, वहां पर माताओं को चाहिए कि अपना हाथ सर के ऊपर ना उठाएं। बहुत जरूरी है तो सर के बराबर तक बस। तो सीता जी सर के बराबर तक जय मान लिए खड़ी। राम समझ गए इनकी मजबूरी, फिर राम ने सोचा लाओ हमें झुक जाए जय माल पड़ जाए। राम सोचे जो हम झुक जाए, जितनी जनता है सब यहाँ कहे हैं जो राम करें सब लोग करो। तो ब्याह है पहले दिन सबका झुकज पड़ी। तो राम जी अपनी मजबूरी में खड़े, लक्ष्मण गुरु जी के पास बैठे बैठे गुस्साए रहे, भैया बगिया महिया ना देखेगा खाने तो। और फिर टकटकी लगा, अरे वहां हम अकेले थे और यहाँ तो इतनी भीड़ है। ओहो, तब लक्ष्मण भी समझ गए भैया भाभी की मजबूरी। और वहां सीता सखियों से कहती है बहना कुछ करो ना। तो एक सखी बोली हे राम थोड़ा झुक जाओ। राम बोले चुप रहो, हम छत्री हैं, सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। चंद प्रभा बोली बहुत बड़े छत्री न बनो, धनुहा तोड़े फूल तोड़े पसीना बहादरा धनुहा टोटी को बन गयो रघुवंशी। अरे थोड़ी देर पहले हाथ जोड़े घूम रहे थे बड़े आए रघुवंशी बन के। राम ने सोचा वैसे काम तुम्हारे लोगन है नाव तो हमारा। राम ने कहा नहीं झुकूंगा। दूसरी सखी बोली बहना ये छत्री हैं ऐसे नहीं बात करते, थोड़ा प्रेम से बात करो। चंद प्रभा बोली आओ तुम्हें प्रेम दिखाओ। तो दूसरी वाली बड़ा प्रेम से बोली राघव थोड़ा झुक जाओ। राम बोले काहे झुक जाए, भाव आया है झुक जइयो तनिक रघुबीर सिया जी मेरी छोटी। राम बोले छोटी हो चाहे बड़ी हम नहीं झुकेंगे। तो सीता बोली तुम सब लोग शांत रहो, बनी बनी बात बिगड़ जाएगी। सीता ने सोचा हमारे देवर शेषावतार लक्ष्मण अब वही उठाए पूरी धरती। सीता ने आंख बंद किया, देवर जी मदद करो। लक्ष्मण हुआ आंख बंद किए, भाभी क्या करूं। सीता बोली तन धरती उठाए दो जयमाल पड़ जाए। लक्ष्मण बोले भाभी पागल हो का, अरे धरती उठेबे बराबर उठे हो दोनों लोग। लो, 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 लो। भाई ये तो सिस्टम नहीं कि जहां खड़ी वहां पे उठाई दे। तो सीता ने कहा फिर कैसे होगा, और जयमाला पढ़ना जरूरी है। हाँ देखो किसी ने कल्पना किया है कि कुछ चीजें जरूरी, किसी कवि की कल्पना है कि कुछ चीजें जरूरी है, जैसे रामचंद्र की शादी में जयमाला बहुत जरूरी है, घर के रक्षक लाख लोग हो ताला बहुत जरूरी है, धनवानों की बस्ती में एक लाला बहुत जरूरी है, कानों की सुंदरता खातिर बाला बहुत जरूरी है, जहाँ पे नाली एक अधिक चली हो नाला बहुत जरूरी है, ससुराल में कोई हो न हो मगर साला बहुत जरूरी है, जहाँ पे छत्री का अधिक रहा तो मरसाला बहुत जरूरी है, और रामचंद्र जी की शादी में जयमाला बहुत जरूरी, कुछ जरूरी चीजें हैं। तो सीता और लक्ष्मण में देखो बातचीत हो रही है, सभी लोग सहयोग करिएगा सीता जी का भी तालियों के साथ में कि हे शेष के अवतार हमें दे दो सहारा, हमें दे दो सहारा, बजाइए ताली मस्ती में जय हो। हे शेष के अवतार हमें दे दो सहारा, हे शेष के अवतार हमें दे दो सहारा, भूलूंगी नहीं हो, भूलूंगी नहीं जन्म भर है शान तुम्हारा, हे शान तुम्हारा, भूलूंगी नहीं जन्म भर है शान तुम्हारा, हे शान तुम्हारा। अरे देवर जी कुछ देर के लिए यदि पृथ्वी को उठा ले, कुछ देर के लिए यदि पृथ्वी को उठा ले तेरे भैया को, तेरे भैया को ये भाभी तो जयमाल पिन्हा दे, जयमाल पिन्हा दे, दे। लक्ष्मण बोले ये नहीं बन पाएगा। सीता ने कहा फिर जो बने सो बनाओ। तो लक्ष्मण ने सोचा कि बड़े भैया अब है एक ज्ञान दिए हैं सबको, कौन सा ज्ञान, के झुकने वालों की जीत हुई है, तो लाओ प्रयोग करके देखी
क्या हुआ? कुछ सोच करके लक्ष्मण फौरन ही उठ पड़े। राम जी गुरु जी, कुछ सोच करके लक्ष्मण फौरन ही उठ पड़े। अब दौड़ करके हो, अब दौड़ करके भैया के चरणों में गिर पड़े, चरणों में गिर पड़े। लक्ष्मण गिर गए, जोर जोर चिल्लाने लगे, भैया बचाओ आज गया जान हमारा, भैया बचाओ आज गया जान हमारा, हे शेष के अवतार हमें दे दो सहारा, हमें दे दो सहारा। भूलूंगी नहीं, भूलूंगी नहीं, भूलूंगी नहीं जन्म भर एहसान तुम्हारा, एहसान तुम्हारा। भूलूंगी नहीं जन्म भर एहसान तुम्हारा, एहसान तुम्हारा। भूलूंगी नहीं जन्म भर एहसान तुम्हारा, एहसान तुम्हारा, एहसान तुम्हारा, एहसान। जैसे लक्ष्मण जी चरणों में गिरे, राम जी झुक के उठाने लगे, ए भैया जिसके ऊपर पूरी धरती हो का ऐसे उठ जाए। सीता जी घबराई, का देवर कोई बीमारी है का? तब तक लक्ष्मण धीरे से पैर छुए, भाभी ये रघुवंशी है झुके हैं नहीं, भाभी अब हमारे हाथ में चाभी, तुम कहा तो 6 महीना ऐसे राखी। आहा, सीता प्रसन्न भई, जयमाल पिनाई, लक्ष्मण खड़े हो गए। राम बोले कहो भैया बड़ा चिल्ला रहे थे, क्या हुआ? लक्ष्मण बोले हो गए, हो चुका है। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय हो। इतने में चंद्रप्रभा सखी आई और राम से बोली, राघव हम भले घर की लड़की हैं, लेकिन तुमका सीतक मिलावे चक्कर में बताओ, तुम्हारे गाल पे हम फूल मारे, सखियों के बीच हमारी बड़ी हंसी हुई, हमें क्या मिला? तो राम बोले तुम्हारा हिसाब किताब द्वापर में चुकाएंगे, तुमने फूल मारा है। आगे जब द्वापर युग आई तब मैं बनी हो कृष्ण कन्हाई। अब तुम जो है तब तलक जा करके कुबेर की सभा में बांस बन करके रहो, और जब तुम बंसी के रूप में आओगी तो तुमको इतना बड़ा सम्मान मिलेगा, हमेशा अपने होठों पर हम तुम्हें चढ़ाएंगे। आज वही चंद्रप्रभा बंसी के रूप में आती है। अच्छा, कुबेर ने बंसी को क्यों भिजवाया है कन्हैया के पास? क्योंकि कुबेर के दो लड़का मणिग्रीव नलकुबर, नारद ने श्राप दिया था इनको, तो ये मल्लार्जुन के पेड़ बन गए थे। इनका कल्याण कन्हैया के द्वारा होना है। ये तो जानते हो भैया, सुर नर मुनि सब कई यह रीति, और स्वार्थ लाग कर सब प्रीति। कुबेर ने सोचा कन्हैया पे एहसान करें तो हो सकता है हमारे बच्चों का कल्याण हो जाए, इसलिए कुबेर ने कन्हैया जी के पास ये बंसी भेजी है। विस्तार से ये कथा हमारे YouTube चैनल पे आप लोग सुन पाएंगे। हमारा YouTube चैनल सुरेश अवस्थी, इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, इष्ट मित्रों तक शेयर करिएगा। मस्ती के साथ में बजाते हुए ताली सभी भक्त बोलेंगे एक बार कि जरा देर ठहरो भगवान, तमन्ना यही है, पर अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, है। देखिए सभी भक्त भाव के साथ में ताली बजाते हुए लगा लीजिएगा हाजिरी, क्योंकि समय आरती के लिए भी अब संकेत कर रहा है। आगे की चर्चा कल आप लोग श्रवणपान करेंगे, और जो भी दर्शक हमारे इस कार्यक्रम को चैनल के माध्यम से देख रहे हैं,
बताना चाहेंगे ये कार्यक्रम बड़ा ही डी है। जनपद बाराबंकी उत्तर प्रदेश से आप सभी भक्त इसका आनंद लाभ ले रहे हैं। मस्ती के साथ में ताली बजाते हुए जरा देर ठहरो राम हो, जरा देर ठहरो राम, तमन्ना यही है अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, श्री राम जय राम जय जय राम, बोल लीजिएगा। अवसर बार बार नहीं आवे, जो जैसे बवाई करेगा फसल वैसे ही मिलेगी काटने को। श्री राम जय राम जय जय राम, जय सिया राम जय सिया राम, श्री राम जय राम जय जय राम, जय सिया राम जय सिया राम, जरा देर ठहरो राम हो, जरा देर ठहरो राम, तमन्ना यही है अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, हाँ अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय, जय बोलिए श्री ब्रह्म सच्चिदानंद की।